हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ क्लास 11 कॉमर्स एंड सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ अवर बिजनेस स्टडी, दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल प्रोपराइटरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। दीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इफ एनी बिजनेस मैन दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी दे वॉन्ट टू डाइवर्सिफाइड देयर फील्ड और एक्सपांड देयर फील्ड। तो ही शुड ऑल्सो थिंक वंस अबाउट द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ डिपेंड अपॉन द पर्सन्स टू पर्सन्स कि किस कौन से फॉर्म को जो है कौन सा पर्सन बिजनेस मैन जो अडॉप्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंट, द बिजनेस मैन दे ऑप्ट एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोलो प्रोपराइटरशिप और जॉइंट इन द फैमिली, वट एवर। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस चैप्टर वी विल डिस्कस द फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर to choose the appropriate form of business organization is also a factor to start the business. Before starting business we have to decide ki humko jo hai kis form of business organization ko jo hai adopt karna hai. So we will discuss the first sole proprietorship form of business organization. It is a very simplest form of business organizations and it is a very popular one because such business organization is owned, managed and controlled by a single individuals, that is known as sole proprietorship. Sole means proprietor and one means owner, that is known as sole proprietorship. ठीक है, तो okay students, before starting the sole proprietorship, इसका meaning जानने से पहले, इसका feature जानने से पहले, हम लोग थोड़ा एक कोका कोला का हिस्ट्री हम थोड़ा जान लें कि कोका कोला का एस्टेब्लिशमेंट जो है किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें कि हाउ द कोका कोला कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द मार्केट और वो किस फॉर्म में जो है मार्केट के अंदर इंटर किया था। और आज जो हम जिस कोका कोला को जान रहे हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है उस कंपनी का, वर्ल्ड वाइड उसके मार्केट शेयर हैं, वर्ल्ड वाइड कस्टमर उसके जो है फैले हुए हैं। तो वॉट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड द कोका कोला कंपनी, लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो हम कोका कोला को आज हम जान रहे हैं, उसके टेस्ट को हम जान रहे हैं, एवरीवन इज़ कंज्यूमिंग द कोका कोला। इसका जो जन्म जो हुआ था, चाहे इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, 8 मई 1886 को एटलांटा जॉर्जिया में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और डॉक्टर जॉन स्मिथ पेम्बर्टन, जो एक जो है लोकल फार्मासिस्ट थे, उन्होंने जो कोका कोला को जो है एक शरबत के रूप में बनाया, एज ए सीरप के रूप में बनाया। अपने इस नए प्रोडक्ट को जो है एक जैकब फार्मेसी के पास लेकर के गए, एक लोकल जैकब फार्मेसी उनके पास लेकर के गए उसके जो है टेस्टिंग करने के लिए, उसके जो टेस्ट को जो है लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए। तो जैकब फार्मेसी ने ये पाया कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक जो है बहुत ही, ये जो ड्रिंक जो है, ये जो सिरप जो है, इसका टेस्ट जो है बहुत ही यूनिक है, कि ना इसको जो है कमर्शलाइजेशन किया जाए। और जैकब फार्मेसी के इंस्ट्रक्शन से ही जो है जॉन स्मिथ ने जो है इसे कमर्शलाइजेशन किया और एक सोडा ड्रिंक के फॉर्म में जो है इसको 5 सेंट प्रति ग्लास जो है इसको बेचने, इसको सेल करने लगे इसको। अब देखिए, पेम्बर्टन जो है इस जो इन्होंने जो ड्रिंक जो बनाया था, एक कोका कोला के नाम से जो इन्होंने शरबत बनाया था, जो सिरप बनाया था, उसके जो है उसके मार्केट, उसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाए, उसके पोटेंशियल को समझ नहीं पाए वो।
और उन्होंने जो क्या किया, धीरे धीरे जो है अपने अपने बिजनेस को जो है अपने पार्टनर्स में जो उन्होंने सेल कर दिया, बिकॉज उनको जो है इसके पोटेंशियल के बारे में जानकारी था नहीं और उन्होंने जो है अपना बिजनेस जो है अपने पार्टनर्स में सेल कर दिया। 1888 में जब उनका डेथ हुआ, उससे कुछ पहले, अपने डेथ से पहले जो है कोका कोला का जितना भी जो बचा हुआ जो शेयर्स था वो उनको जो है आशा जी कंपनी को जो है उन्होंने सेल कर दिया। आशा जी कैंडलर को पूरा का पूरा जो बचा कुचा जो भी रिमेनिंग जो शेयर्स था उन्होंने आशा जी कैंडल्स को सेल कर दिया। आशा जी कैंडलर जो है एक बिजनेस टाइकून थे उस समय के, उन्होंने इस ड्रिंक को, इस सिरप को जो है इसके पोटेंशियल को समझा और उन्होंने जो है बाकी जितना भी शेयर था उन्होंने जो है उस परचेस कर लिया और पूरा कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लिया कोका कोला का। 1 मई 1889 कैंडल ने जो है अटलांटा जर्नल में फर्स्ट पेज पर उन्होंने एक जो है एडवर्टीजमेंट दिया और उसमें जो है उन्होंने ये घोषित किया, प्रोक्लेमिंग क्लेम किया कि प्रोक्लेमिंग हिज होलसेल एंड रिटेल ड्रग बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटर ऑफ द कोको कोला। मतलब उन्होंने बताया कि अपने दवाइयों के जो भी रिटेलर और जो होलसेलर ऑफ कोका कोला को उन्होंने एकमात्र जो है अपना एक जो है सोल ट्रेडर ग्रुप में जो है उस पेपर में उस एडवर्टीजमेंट उन्होंने जो है घोषणा कर दिया। और उसमें जो कहा गया उस विज्ञापन में चाहे उस एडवर्टीजमेंट में कहा गया कोका कोला एक स्वादिष्ट, एक ताजीदायक, स्फूर्तिदायक जो है कोल्ड ड्रिंक है, ये एक ड्रिंक है। तो कोका कोला का जो ओनरशिप जो था कैंडलर ने 1891 में जाकर पूरा का पूरा उसका जो है पूरा का पूरा ओनरशिप जो है $2,300 खर्च करके पूरा का पूरा ओनरशिप अपने नाम कर लिया। और 1892 में कैंडलर ने दी कोका कोला कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी का गठन कर दिया। ठीक स्टूडेंट्स, इन 1892 मिस्टर कैंडलर फॉर्म्ड ए कंपनी कॉल्ड द कोका कोला कॉरपोरेशन। सो ये स्टोरी को समझाने का मतलब ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, कोका कोला कंपनी जो है एक सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था और बाद में जो है वो कंपनी का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द कोका कोला कंपनी एंड एंटर्ड इन द मार्केट एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप। जो आज हमारा टॉपिक वही है, सोल प्रोप्राइटरशिप टॉपिक हमारा है। टुडे वी विल डिस्कस द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए बिजनेस विच इज मैनेज्ड बाई ए सिंगल पर्सन, कंट्रोल बाई ए सिंगल पर्सन एंड ऑन बाई ए सिंगल पर्सन, दैट इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑल द बिजनेस एक्टिविटी इज टू बी कंट्रोल बाई ए सिंगल पर्सन, ऑल द प्रॉफिट इज इंजॉयड बाई ए सिंगल पर्सन, ऑल द लॉसेज सफर्ड बाई ए सिंगल पर्सन। कहना मतलब है कि बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सिंगल पर्सन इंजॉय करेगा, लॉस हो रहा है तो वो सफ़र करेगा, जो भी उसकी लायबिलिटी है वो खुद ही वो फेस करेगा, खुद ही उस लायबिलिटी को फुलफिल करेगा, जो भी रिस्क है वो पूरा का पूरा रिस्क जो है वो खुद जो है फेस करेगा। मतलब कि इसीलिए इसको कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, होल एंड सोल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस की उसके ऊपर होती है। आप मार्केट में जाते हो, आप ग्रोसरी की दुकान पर जाते हो, आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, आप कन्फेक्शनरी की शॉप पे जाते हो, दीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। सो लेट अस डिस्कस द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए, देयर इज नो लीगल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द
the sole proprietorship or to close the sole proprietorship. There is no any separate laws governing. कोई भी जो है एक लॉ, कोई भी सेपरेट लॉ जो है गवर्न नहीं है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए, चाहे इसको स्टार्ट करने के लिए, चाहे इसको क्लोज करने के लिए. एज एन वेन द सोल प्रोपरशिप दे विलिंग टू स्टॉप द बिजनेस टू क्लोज द बिजनेस, दे कैन क्लोज द बिजनेस विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज. ठीक है, बट देर आर सम केसेज ए लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सोल प्रोपरशिप. वो क्या चीज़ है? These are some of the registrations or license that may be obtained by the sole proprietors. For example, registration under the Shop and Establishment Act. हम जिस locality के अंदर हम जो भी shop हम open करने जा रहे हैं तो उस locality में prevailing जो भी act है उसके तहत जो हम अपने shop का जो registration कराना पड़ता है. That is very simple. Next one is रजिस्ट्रेशन अंडर द MSMED, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज. अगर हमारा जो है सोल प्रोपरेटरशिप माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत आता है तो हमको जो है MSMED के एक्ट के तहत हमको जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन अंडर द GST. अगर सोल प्रोपराइटर्स है, अगर गुड्स के अंदर डीलिंग करता है, गुड्स सप्लाई करता है, अगर मोर देन 50 लाख करता है तो उसको जो GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. सिमिलरली अगर सर्विस सेक्टर के अंदर है उसका भी लिमिटेशंस है 20 लाख. अगर 20 लाख एवव जो है अगर वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको भी जो GST के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. आई मीन टू से दैट इन सब केसेस को छोड़ करके जो है, या दीज आर ऑल द इन सच ए केसेज वी रिक्वायर्ड सम रजिस्ट्रेशंस और वी सम रिक्वायर्ड ए लाइसेंस टू स्टार्ट ए सोल प्रोपराइटरशिप. इन सर्टेन केसेस लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस परमिट. अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो RTO से परमिशन लेना पड़ेगा. अगर हमारा जो है एग्रो प्रोडक्ट में हम सेल करते हैं तो हमको जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा. हमको ड्रग्स के अंदर डील करते हैं तो हमको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर जो है लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमको लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा हमको. तो अगर हम इन सब के अंदर अगर हम डील करते हैं तो वी रिक्वायर्ड सम लाइसेंस टू स्टार्ट द सोल प्रोपराइटरशिप. दिस इज द फॉर्मेशन एंड क्लोजर. दिस इज वन फीचर ऑफ द सोल प्रोपराइटरशिप. नेक्स्ट फीचर इज लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोपराइटरशिप इज अनलिमिटेड. इन द केस ऑफ द बिजनेस लॉसेस, if the business assets are not sufficient to meet all the business liability, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liability. It means that ki agar hamare business ko sole proprietorship business mein agar loss ho raha hai, wo loss jo hai recover nahi ho pa raha hai, hamara jo business assets hai, jo bhi hamara business ke andar jo bhi assets hai, chahe wo cash ke form mein ho, chahe wo capital ke form mein, jo bhi cheez hai, अगर उस एसेट्स के थ्रू जो है अगर हम अपनी लाइबिलिटी को, अपने डेब्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस केस में, उस कंडीशन में हाउ वी विल पे आवर डेब्ट. हम अपने जो है पर्सनल एसेट्स को सेल करके जो है हम अपने डेब्ट को फुलफिल कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि 1 लाख का डेब्ट आपके ऊपर है और यू आर नॉट एबल टू पे योर डेब्ट. आप जो है अपने 1 लाख डेब्ट को जो है आप पे नहीं कर पा रहे हो. अपने जो है बिजनेस के प्रॉपर्टी को सेल करने पर आपको बस केवल 80,000 आपको मिल रहा है, बाकी रिमेनिंग 1,000 आपका बचा हुआ है. तो वो रिमेनिंग 20,000 जो है आप अपने पर्सनल एसेट को सेल करके जो है आप अपने डेब्ट को क्लियर करोगे. इट मीन्स दैट आपका जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड मतलब कि आप अपने पर्सनल एसेट को बेच करके जो अपने लाइबिलिटी को फुलफिल करोगे, अदरवाइज आप लाइबिलिटी से लिमिटेड कहलाते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट फीचर इज सोल रिस्क बियर एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट. इट मीन्स दैट
In sole proprietorships, firm's whole risk is borne by a single individual. The sole beneficiary of all the rewards is one individual only. मतलब कि जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है सफर्ड बाय ए प्रोप्राइटर, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इंजॉयड बाय ए प्रोप्राइटर. इसमें जो है किसी की भी कोई हिस्सेदारी नहीं है. जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो फैक्टर प्रोडक्शन को जो है उसने एक्यूमुलेट किया है, जिसने रिस्क लिया है, वही पर्सन जो है प्रॉफिट और लॉस को जो है फेस करेगा. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल. सोल प्रोप्राइटरशिप पे जो है पूरा कंट्रोल जो है सोल पर उस बिजनेसमैन का होता है. द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑपरेट ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल एज ऑल द फंड्स आर अरेंज्ड बाय वन पर्सन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द वन पर्सन, एंड सोल ट्रेडर्स कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज, देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड. इसका मतलब ये है कि एक सिंगल पर्सन है, वो हर एक काम देख रहा है, वो सेल भी कर रहा है, वो मार्केटिंग भी कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर जो है स्केल ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड होता है, क्योंकि एक स्मॉल साइज में हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और कंट्रोलिंग जो है पूरा जो है ऑनरशिप का होता है जो बिजनेस सेटअप किया हुआ है. सो दिस आर ऑल द फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप.